कोरिया के नेता किम जोंग उन मंगलवार को अचानक चीन के दौरे पर पहुंचे। समझा जाता है कि कोरिया एक प्रायद्वीप को परमाणु हथियार मुक्त करने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित दूसरे शिखर सम्मेलन से पहले अपने एकमात्र बड़े सहयोगी के साथ समन्वय करने के प्रयास के तहत वो चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर किम 7 जनवरी से 10 जनवरी तक चीन के दौरे पर रहे। तानाशाह का ये दौरा कई मायनों में अहम है। हाल ही में 2019 की पहली ही तारीख पर ट्रंप को धमकी उन्होंने दी थी कि उत्तर कोरिया पर अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अगर नहीं हटाए गए तो वे परमाणु परीक्षण करने का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, जिसके बाद समूची दुनिया का अमन चैन फिर से खतरे के दायरे में आ गया था। खैर, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ ही दिनों में किम जोंग का चीन में ये तीसरा दौरा था, तो सवाल ये कि विस्तारवादी नीतियों पर चलने वाले देश में तानाशाह जिनपिंग के साथ क्या प्लानिंग कर रहा है। खबरों के मुताबिक उनके साथ उनकी पत्नी री सोल जू और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, जिसमें किम योंग चोल भी साथ रही। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ कूटनीतिक समझौते में चोल उनके प्रमुख सहयोगी हैं। कुछ दिनों पहले किम ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने प्रतिबंधों में ढील नहीं दी और दबाव कम नहीं किया तो वे वैकल्पिक मार्ग चुन सकते हैं। देखा जाए तो इस धमकी में चीन की भी भूमिका नजर आ रही है। ये दौरा ऐसे समय में भी हो रहा है जब किम और ट्रंप के बीच दूसरे शिखर सम्मेलन की बातचीत हो रही है। दोनों के बीच पहला शिखर सम्मेलन पिछले वर्ष जून में सिंगापुर में हुआ था। ट्रंप के साथ पहली बैठक से पहले और बाद में भी किम ने पिछले वर्ष शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। दक्षिण कोरिया की योनहाप संवाद समिति ने खबर दी कि उत्तर कोरिया की एक रेलगाड़ी चीन की सीमा में पहुंची है, जिसके बाद सोमवार को कयास लगाए जाने लगे थे कि किम चीन के दौरे पर हैं। दोनों देशों की मीडिया ने मंगलवार की सुबह दौरे की पुष्टि की, जब किम की विशिष्ट हरे और पीले रंग की रेलगाड़ी बीजिंग के एक स्टेशन पर पहुंची थी।